द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और जहां फिलिस्तीन के समर्थन में आकर कई इस्लामिक कंट्रीज ने इजराइल का जीना मुहाल कर रखा है, तो दूसरी तरफ रूस ने भी आंखें तरेरी। तो अब उससे भी बड़ी खबर यह आ गई कि महाशक्तियों में से एक चाइना ने भी अब इजराइल के खिलाफ मुहिम छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल चाइना को इस बात की आशंका सताने लगी है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ चली है, और इसी के मद्देनजर इजराइल की मुसीबत बढ़ाते हुए मिडिल ईस्ट में चाइना ने अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में 6 युद्ध पोत चाइना ने अपने तैनात किए हैं। और यह क्यों तैनात हुआ है? क्योंकि स्थिति तो एकदम साफ है। सिचुएशन यह कहते हैं कि रूस और चाइना ये ऐसे कंट्रीज हैं जो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन को उसका हक दिलाना चाहते हैं और इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका के इशारे पर चलता है और अमेरिका से रूस और चाइना के संबंध अच्छे नहीं हैं, यह सबको पता है। अब इस वक्त जो खबर सामने आई है उसको लेकर डेली एक्सप्रेस यूएस नाम के एक वेबसाइट ने, अमेरिकी खबरिया वेबसाइट ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा गया है जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए आप। चाइना डिप्लॉयज 6 वॉरशिप्स टू मिडिल ईस्ट ओवर फियर्स इजराइल क्राइसिस कुड स्पार्क WW3। यहां कहा जा रहा है कि चाइना ने 6 युद्ध पोत जो है 6 युद्ध पोत मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं, इस बात की आशंका में कि डर है कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग चल रही है, इजराइल की जो क्राइसिस है, उसके चलते कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना छोड़ जाए। अब ऐसी तैयारी चाइना ने कर दी है। चाइना वो शक्ति है जिससे अमेरिका भी घबरा रहा है। भारत के साथ भी चाइना के संबंध अच्छे नहीं है, और ऐसे परिस्थिति में जो चाइना अक्सर भारत के साथ झड़प करता हुआ दिखाई पड़ता है, वो इस वक्त मिडिल ईस्ट में युद्ध पोत तैनात करके वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। ऐसे ही कुछ जानकारी मिल रही है। इस संबंध में और क्या कुछ खबर में कहा गया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने इस खबर का अनुवाद कर दिया है, वो हम आपको बताते हैं। यहां डेली एक्सप्रेस ने लिखा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच संघर्ष बढ़ने पर चीन ने मध्य पूर्व में 6 युद्ध पोत तैनात किए हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ईस्टर्न थिएटर से 44वीं नौसैनिक एस्कॉर्ट टास्क फोर्स इस क्षेत्र में नियमित अभियानों में शामिल रही है और पिछले सप्ताह ओमान में कई दिन बिताए हैं। तो मिडिल ईस्ट में हर कोई दबदबा बढ़ाना चाहता है, रूस भी पकड़ रखना चाहता है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका भी और चाइना भी। यहां दिक्कत यह है कि मिडिल ईस्ट ऐसे ताकतवर देशों का ग्रुप है, समूह है, जो जिसके साथ खड़ा हो जाए उसके लिए बहुत ही राहत भरी बात हो जाती है, क्योंकि इनके साथ से कई देशों को बड़ा फायदा मिलता है, चाहे तेल को लेकर के हो या फिर कई और ऐसे मोर्चे पर ये लोग एकदम से सही और भरोसेमंद साबित होते हैं। तभी तो इजराइल के संबंधों को सुधारने के लिए अमेरिका ने जी जान लगाकर रख दिया कि मिडिल ईस्ट में उनकी पकड़ बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल पर कोई भरोसा करता नहीं। सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने कोशिश की कि इजराइल के रिश्ते मधुर हो जाए, बातचीत पर जो है वो आगे बढ़ने लगी थी बातचीत, लेकिन तभी खबर आई कि हमास ने इजराइल पर हमला किया। जो बाइडेन ने कहा है कि शायद इसी बात से हमास चिढ़ गया था कि सऊदी अरब की नजदीकियां इजराइल से क्यों बढ़ रही हैं, लेकिन हमास का कहना है कि उनकी मांग तो बस इतनी है, फ्री फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को उसका हक। 1967 को जो बॉर्डर संधि तैयार हुई थी उसके हिसाब से फिलिस्तीन को वो एरिया मिले जिस पर इजराइल हक जमाकर बैठा हुआ है, जिनेवा समझौता। लेकिन यहां इजराइल हक देने को तैयार नहीं है, लिहाजा खून खराबा हो रहा है, दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और इस युद्ध में बड़ी बड़ी महाशक्तियां आपस में टकरा सकती हैं। इसको लेकर हमने पहले भी आपको खबर दिखाए हैं और स्थिति यह होगी कि वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका से आप इनकार नहीं कर पाएंगे। वो कैसे हो रहा है जरा देखिए। रूस ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अमेरिका ने भी अपने युद्ध पोत तैनात कर दिए। अब ऐसे परिस्थिति में अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो आप देख लें, मिस्र की बात कर लें, इन लोगों ने अपने सेना तैनात कर रखे हैं,
वहीं लेबनान में भी सेना की तैनाती है और हिजबुल्लाह तो खैर वहाँ ताकतवर है ही, फिलिस्तीन से हमास है, फिर फिलिस्तीनी सेना है, ये हर कोई अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ईरान तो कब से तैयार बैठा है, सबको उकसा भी रहा है कि लड़िए, इसराइल को जवाब दीजिए, इसराइल हमारा दुश्मन है। यमन से जो हूती विद्रोही हैं वो भी तैयार बैठे हुए हैं, जॉर्डन है, और ऐसे में जॉर्डन को भी चेतावनी इसराइल ने दे डाली, जगह खाली करके निकल जाओ, मिस्र के लोगों को जगह खाली करके निकल जाओ, नहीं तो हम हमला कर देंगे। अब ऐसे में अगर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा तो क्या होगा, आप कितने देशों को ललकारेंगे, कितनों को चेतावनी देंगे। चाइना इतना ताकतवर है कि इसराइल को वो गायब कर सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका और चाइना की हमेशा तुलना होती है, ये बहुत पावरफुल हैं। अब जरा ये समझिए कि रवीश कुमार ने भी एक रिपोर्ट दी थी कि इसराइल के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि उसके ऐसे इंटेलिजेंस हैं, उसकी सेना इतनी ताकतवर है, तो फिर हमास जैसे संगठन के सामने वो पानी क्यों भर रही है, उसके पास अचानक से हथियारों की कमी क्यों हो जाती है, क्यों अमेरिका को अपने सैनिक भेजने पड़ते हैं, क्या वाकई में इसराइल इतना ताकतवर है, हमें नहीं लगता। अब इसको लेकर एक अलग विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी। यहाँ चाइना की बात कर रहे थे, आइए जरा देखते हैं आगे क्या कहा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि ओमानी नौसेना के साथ एक अभ्यास में भाग लेने के बाद चीनी युद्धपोत शनिवार को मस्कट से एक अनिर्दिष्ट स्थान के लिए रवाना हो गए, और कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में चीन के युद्धपोत की तैनाती का मतलब ही बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका चीन को सता रही है और यह जंग बहुत बड़ी हो सकती है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर पाएगा। जो यहाँ जानकारी दी गई है डेली एक्सप्रेस यूएस के मुताबिक कि टास्क फोर्स में जीबो एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, फ्रिगेट जिंगजू और आपूर्ति जहाज किया नदा ओहू शामिल है। ये सभी मध्य पूर्व में तैनात होंगे क्योंकि इजराइल गाजा पर जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है, और जब ग्राउंड ग्राउंड की फाइट होगी तो ये सब तो कमाल कर देंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्य समाचार एजेंसी के अनुसार ओमान की यात्रा के दौरान चीनी कमांडरों ने ओमानी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और सैन्य संस्थानों का दौरा किया, जबकि दोनों देशों के नाविकों ने दुकानों का दौरा किया और एक बास्केटबॉल खेल का भी आयोजन किया है। अब इसका मतलब साफ है कि जो पूरी तैयारी है, इस तैयारी का मकसद साफ है कि किसी भी विकट स्थिति में फिलिस्तीन का साथ देना। और चाइना ने इस बीच तो राहत सामग्री भी फिलिस्तीन के लिए भेजी, रूस ने भी भेजी है, तो यह पहल जो शुरू हुई है इजराइल को मैसेज देने के लिए कि आप अगर क्रूरता दिखाएंगे तो हम लोग उन्हें राहत दे रहे हैं, अगर अति होगा तो हम इजराइल पर हमला कर देंगे। पुतिन ने तो पहले भी चेतावनी दे रखी है। अब इससे खबर यह मिलने लगी है कि चाइना की ऐसी तैयारियों ने इजराइल के होश उड़ा दिए और अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। दरअसल यह एक बड़े मौके के तौर पर देखे जाते हैं कि रूस और चीन जैसे देश एक साथ आते हैं। जब यूएन सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव लाया गया कि गाजा में नागरिकों की मौत हुई है इसराइल के हमले के चलते, तो यहाँ पर इनके रूस के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों ने ताकत लगा दी और कई देश उपस्थित ही नहीं हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि रूस ने हमास की चर्चा उसमें नहीं की थी। तो अमेरिका का कहना हुआ कि जानबूझकर रूस ने हमास की चर्चा नहीं की है, वो हमास के साथ खड़ा है। और यहाँ आपको बता दें यूएई और चीन ने रूस का उस प्रस्ताव में साथ दिया था। तो अमेरिका से दुश्मनी निकालने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध भी एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। यहाँ पर चाइना आगे क्या कर सकता है, ये जो जानकारी आई है कि 6 युद्धपोत तैनात किए गए हैं, ये किसी न किसी बड़े जंग की ओर लगातार इशारा कर रहे हैं। यहाँ देखिए, वैसे तो कोशिश चीन की यही है कि युद्ध विराम हो, यहाँ जानकारी दी गई है। चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार शी ने कहा कि अब सर्वोच्च प्राथमिकता जल्द से जल्द युद्ध विराम करना है ताकि संघर्ष को बढ़ने या नियंत्रण के बाहर होने और गंभीर मानवीय संकट पैदा होने से रोका जा सके। यहाँ बताया जा रहा है कि सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका द्वारा मध्य पूर्व में एक शक्तिशाली शस्त्रागार भेजे जाने के बाद चीन की तैनाती यहाँ पर की गई है। चीन ने अपने युद्धपोत भी लगा दिए हैं। अब इसका कितना बड़ा असर होगा बस देखते जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।